वेलकम टू द व्लॉग गाइस, ये व्लॉग 11 होगा कि व्लॉग 1 होगा फिर से मुझे नहीं मालूम, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है एंड आई थिंक यू गाइस जो देखते हैं ये व्लॉग दे नो कि बहुत टाइम बाद मैं एक और व्लॉग बना रहा हूँ। लैपटॉप, कैमरा, बैग सब तान थान लेके, आई डोंट यूजली कैरी द कैमरा बैग, लेकिन आज कैरी करना पड़ेगा बिकॉज कैरिंग द कैमरा बहुत टाइम बाद। ऑल्सो कैरिंग दिस पार्सल विथ मी, इसके अंदर क्या है आई नो बट ये मुझे अकेले खोलना नहीं है। मैं अभी कैफ़े जा रहा हूँ, कैफ़े में अपूर्व भैया भी रहेंगे तो उनको साथ लेके खोलेंगे अपन ये बहुत सारा सामान। वेलकम टू द व्लॉग। अरे सर वो कहाँ है सर जो ये रिकरिंग कैरेक्टर है बहुत टाइम बाद, ये नया कैरेक्टर है, क्या नाम बताना पड़ेगा? नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे यूजलेस कैरेक्टर है। हाँ, दूसरी बात है, हमने सुना आपके पास एक सरप्राइज पार्सल आया है सर। हाँ ये सर, वो सरप्राइज पार्सल गाड़ी में रखा है। अरे वो बैग में ढूंढ रहा हूँ, बहुत बड़ा पार्सल है वो। वेलकम टू उहू किचन, ये वाइड एंगल के कारण बहुत बड़ा लग रहा है बट है बहुत छोटा। सो दिस इज अ कैफे जो लास्ट 6 महीने खा गया मेरे बड़ी कैफे मैंने और आकाश ने मिलकर खोला है, तो ये तो दिखता रहेगा व्लॉग्स में। अभी हम लोग वो पार्सल में फोकस करते हैं। अनबॉक्सिंग करिए सर। टू अर्जुन मुखर्जी। हाँ, अनबॉक्सिंग करिए सर आप। हमें ना चाकू चाहिए पड़ेगा। चाकू या कैंची कुछ है? चाकू क्यों नहीं होगा किचन में, एक बात बताना सर। चाकू या कैंची किचन में क्यों नहीं होगा? माना हमने खोला है, इसका मतलब ये नहीं फिट्टी करी हुई आ गई। अरे फ्री हो, यूज़ ना करो। कस्टमर्स बैठे हैं भाई। हाँ, वो दो कस्टमर पीछे दिख रहे हैं बैकग्राउंड। ये ऐसे क्या है? प्रोडक्ट रिवील होने वाला है ये। अच्छा, ऐसे ट्रांजिशन बनाओगे? करो ये। मैं ऐसे कैसे डाल दूँगा, कुछ नहीं बताऊँगा। ये एडी का वो है क्या? एडी वाला फेस है क्या? नहीं, सुन पाया। थोड़ा बड़ा एडी है, इसकी इंटेंसिटी होगी ज़्यादा। दिस इज 100 इंटेंसिटी। पर तूने 9 लाइट का क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मेरे को 2 लाइट मिल गई ना 17 में। ये हमने एक कॉपरेट दे रखा है जिससे अगर आप जोड़ दोगे तो ये एलसी बन जाएगी, तो दो लाइट का बेनिफिट। सॉफ्ट लाइट यार। अच्छा भाई, हाउ इज द रोल? बढ़िया। बोलो वो किचन बेस्ट। वूहू किचन इज द बेस्ट। वाओ, ये कॉफी भी तो है आकाश। तो बेसिकली ये लाइट्स की टेस्टिंग हो रही है कि हम दिखा रहे थे कि ये टिकटॉक लाइट्स नहीं है, दीज आर मोर देन दैट, मोर देन टिकटॉक स्टार। हमारे पास टिकटॉक स्टार तो है। आंशु, ये बाप रे कौन है ये? ये वो जोकर वाला वो मूवी नहीं है, कौन सा है वो? अरे वो पेनीवाइज रहता है। हां, पेनीवाइज ही लग रहा है। थैंक्स, किसी ने तो मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया है। अच्छा, मीट रोंटू दादा। अरे मेरे को नहीं बोला ऐसे, मीट रोंटू दादा है ना? सिर्फ मीट रोंटू दादा मुझे फ्रेम में नहीं आएंगे दोनों। दिस इज बेदू। हाउ मेनी कैमरास? दिस इज बेदू। ये मंकी बॉयज। चाइनीज भेल ले, उसके ऊपर चिकन सैलेड का वो टॉपिंग ऐड कर दो। वही खाया था। हाँ तो वही बोल दे। क्या बोल? चाइनीज भेल ऊपर से चिकन सैलेड मिक्स। तो उसका कॉस्ट दोनों का डबल है, दोनों का ऐड करके। हाँ ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी इतना हो जाएगा। बहुत पैसा है इन दोनों के पास। इसके पास है सेंड रिश्ताज गाइस, सेंड रिश्ताज। या उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। सबका यहाँ पे नाम है। ये छोटी है, ये क्या है? इसका नाम नहीं पता। अरे यार, न्यू एडिशन। ये न्यू एडिशन है, एबनी। वो काली है, वो सबसे हरामी है। और ये चॉक से। और ये चॉक से हु इज द डॉग से? डॉग में डल गया तो मैं वो समाज से बाहर कर देंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोगों ने कैफे खोला है 3 महीने हो गए इस कैफे को। 3 महीने पहले खोला था, तो 3-4 महीने से मैं इसी में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। एंड आप लोगों का इस तरफ आना हो तो बिल्कुल आओ कैफे। इसके अलावा बाकी वेडिंग शूट्स और इन सब में बीच में यूट्यूब कम्प्लीटली बंद ही रखा था मैंने,
तो अभी धीरे धीरे वापस डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, मैं तब से व्लॉगिंग नहीं कर रहा था। मैं नहीं, अभी शाम को मैंने देखा था। ये तूने क्या लगाया? बॉडी कवर है ना, कैसा लगाया तूने बॉडी? स्किन है, स्किन। ये आप अबे ओ अबे ओ मेरी एंडिंग कॉपीराइट है। जा गई दूसरा सब में कॉपीराइट लगता है आपको तो ऑलरेडी। अरे कॉपीराइट लगता है भाई, बंद कर। कर ले अब यार, कर ले। कर दिया स्विच ऑफ। आप तो ऑलरेडी जानते हैं ना कौन ब्लॉग वाले जो देखते हैं। हाँ, मतलब ये कहाँ आई है ब्लॉग में? ये आई है। कब? ये सुकृति कहते हैं हम लोग। ओ अच्छा, ये कह रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे लेकिन बहुत अच्छा। रुकना रुकना रुको 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 रुको। करना क्या होता है? बस बाहर निकाल, स्लो मोशन में निकाल लेंगे। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। बाय बाय। यही करना था ये मालिक लोग आपस में बिजनेस टॉक्स करते हुए। गिम्बल की वेस्ट प्लेट तू नहीं लगा रखी अभी? हाँ हाँ यार, उनको वापस दे रहा हूँ। वो गिम्बल तो रख लिया, उन्होंने वेस्ट प्लेट का पूछा ही नहीं। हाँ होता है ऐसा। मैं सबसे पहले गिम्बल वापस आता है तो वेस्ट प्लेट चेक करता हूँ, रखी है या नहीं रखी। बाबा कैसा लगा बर्गर? ठीक है। अरे यार बाबा यार, शॉर्मा कैसा था? कोल्ड ड्रिंक अच्छी। अरे यार शॉर्मा जो था जी, वाह भाई वाह, बहुत बहुत ही स्वादिष्ट। मजा आ गया, स्वाद आ गया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये पंजाबी इसके लिए बोल रहा है कि इसको एक्स की याद आ गई। हाँ तो मैं कह रहा था मैं TL30 पे एक रिव्यू भी बनाऊंगा। पहले मैं खुद टेस्ट कर लूँ। टेस्ट पहले वेडिंग्स में भी टेस्ट करूँगा मैं, और नॉर्मली मेरे को ऐसे घर पे वीडियो लाइट मतलब यूट्यूब के लिए जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें भी टेस्ट कर सकते हैं। दोनों में टेस्ट करके बताऊंगा। बाकी वेडिंग्स के अलावा तो ऐसा सच कुछ और जगह मिलेगा नहीं हमें टेस्ट करने के लिए। नहीं मिलेगा भाई। क्यों मिलेगा? अपन टेस्ट करेंगे भाई, अपन रिंग्स रिंग्स के फोटो खींचेंगे। ठीक है, वेडिंग हुई ना वो। हाँ फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव अ कैफे, घरेलू कैफे। अरे का शटर गिरा दो। सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। मैं बेसिकली चाह रहा था जिन लोगों से मैं रोज मिलता हूँ उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ इस पहले व्लॉग में, बिकॉज बहुत दिनों बाद आई एम मेकिंग अ ब्लॉग। TL30 रिव्यू विल कम सून वेन एवर आई एम डन विद टेस्टिंग इट थ्रू वट एवर आई डू लाइक वेडिंग्स एंड ऑल। और अभी ये वाली जो लाइटिंग है दैट इज़ ऑल्सो लिट बाय द TL30s। एक मेरे पीछे है और एक मेरे सिर पे है, तो ये वाले को थोड़ा डिफ्यूज़ होना चाहिए था कि लाइट को, बट आई डो नॉट हैव द डिफ्यूज़र विद मी राइट नाउ। सो दैट्स बीन इट। सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।